नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है। इसमें बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC, ठीक है। तो इसमें बता दें आपको, इसकी ये स्वतंत्र न्यायिक निकाय है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 2002 को रोम संधि द्वारा हुई थी। रोम संधि द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002 में। इसके मुख्यालय की बात करें तो हैग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 123 हैं। कितना? 123। नवीनतम आपका है मलेशिया। याद रखिए, फिलीपींस ने सदस्यता छोड़ दी, ठीक। तो इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। इसमें 123 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ, एक और बात याद रखिए, भारत चीन अमेरिका रूस सदस्य नहीं है। कौन से? भारत चीन अमेरिका रूस इसके सदस्य नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। इसके कार्यों की बात करें तो इसके कार्यों में शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय के लिए सहयोग सुनिश्चित करना, अपराधियों को सजा दिलाने में राष्ट्रीय न्यायालयों की सहायता करना। इसके कार्यों में और शामिल हैं सदस्य देशों के लिए के लोगों के खिलाफ हुए संगठित अपराधों के मामले में सुनवाई करना, आईसीसी से जुड़े विषय, मानवता के खिलाफ अपराध, जनसंहार, संहार, युद्ध अपराध, आक्रमण से जुड़े अपराध, ये भी इसके कार्य हैं आईसीसी के। इसके प्रमुख बिंदु की बात करें हम लोग तो प्रमुख बिंदु हैं रोम संधि 1 जुलाई 1998 में स्वीकार की गई, 1 जुलाई 2002 को लागू की गई है। इसमें देशों और व्यक्तियों विशेष विशेष या व्यक्तियों विशेष या व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध चल रहा सकता है मुकदमा इसके तहत, ठीक है। इसमें याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें है आपकी अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ठीक है। ये इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। अब बात करते हैं आईसीसी। आईसीसी निम्नलिखित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अलग है। किन मामलों में? आईसीसी के पास युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराधों के अभियुक्तों की व्यक्तिगत प्रयास का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ठीक है। आईसीजे आपराधिक अदालत नहीं है। आईसीजे में अभियोजक व्यक्तिगत पहल नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? व्यक्तिगत पहल नहीं कर सकता है। आईसीजी का फुल फॉर्म है, याद रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, याद रखिए। तो ये था आपका आईसीसी। क्या था? आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे भारत के बारे में, वित्त आयोग, जो भारत की वित्त व्यवस्था है उससे संबंधित है आपका वित्त आयोग। इसी के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।